नींद की गोली खिला के मुझे मतलब सेक्स वगैरह करता था। वो मेरा देवर आया था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं बोल के मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला उन्होंने मेरा मुंह बंद करके उन्होंने मेरे साथ रेप करा था। करने के बाद उन्होंने मतलब मेरे कपड़े थोड़ा सा नहीं थे तो उन्होंने पीछे से हाथ ऐसा मोड़ के मेरा फोटोज़ ले लिया। तो वो गोली छोड़ दिया तो सेक्स की गोली खिलाने लगे उन लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सबूत मिले ना उसको फांसी की सजा दे दो। अच्छा, कोई सबूत मिले तो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, गलत तो गलत है। मैं किसी भी औरत के साथ क्या हूँ, मैं उसकी वाइफ के साथ चलूंगा वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा। तू बचेगी तभी तो बोल के मुझे पूरी तरह से अपने राड लेके मुझे पूरी तरह से सर पे मारने लगी। मैं इसके पास गया, उसको लेके गया, रात तक इसकी सेवा करी मैंने। उसके घर रात को वही सहायता करते। ये लड़की मुझे बिना बताए सुबह 4 बजे गोली हो गई। घर से 6 बजे उठ के देख रहा हूँ मगर में ये लड़की है ही नहीं। मेरा एक ही है, अगर मुझे ना ही नहीं मिला तो मैं एक ही काम करूंगी, दिल्ली गेट पे जाऊंगी, पेट्रोल डाल के मैं मर जाऊंगी। मैडम प्लीज मुझे ना ही दिला दो। जो घटना हुई है ना उससे 1 हफ्ते पहले इस लड़की ने मुझे बंद करवाया मर्डर के केस में। एक दिन मुझे रात को बंद कर दिया, अगले दिन छोड़ दिया मुझे, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो मुझे पकड़ने का मतलब ही नहीं था। झलको दिल्ली बहुत सारे नए नए ऑफर लेकर आता रहता है। ऐसे में आपको बताएं कि अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है जो कि डीमेट अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें ना सिर्फ आप बल्कि आपके जो दोस्त हैं वो भी घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में पैसे कमा सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको टच करिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग सुल्तानपुरी के सी ब्लॉक में, जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को लेकर जो प्रताड़ना वाली खबरें होती हैं या फिर जो मुद्दे होते हैं वो तमाम आ जाते हैं, लेकिन इन पर अगर न्याय की बात करें या इंसाफ की बात करें वो चीज़ें नहीं हो पाती। आपको बताएं कि अभी कुछ महीनों पहले की बातचीत है, जहां पर एक महिला को, जैसे कि उनका कहना है कि उन्हीं के घर वाले यानी कि ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। क्या है पूरा मामला वो उनसे ही आगे जुड़कर आगे आपको बताएंगे। क्या नाम मैम आपका? गायत्री है। गायत्री जी, ये बताइए जो वीडियो आ रही है आपकी सामने जिसमें आपको चोट लगी हुई है सर पे बहुत ज़्यादा, किसने किया हुआ आपके साथ? ये मेरा देवरानी ने किया, क्योंकि 1 ईयर बैक उन्होंने तलाक के नोटिस भेजा और मेरे साथ रहने लगे और मेरे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो मैंने तलाक नहीं दिया तो उन्होंने अपने भाई के साथ बात करके कि ये बोल रहे कि इसको बच्चेलन साबित करो या नहीं तो इसको पागल बना दो, अगर कुछ भी नहीं हुआ तब भी तलाक नहीं दे रही है तो इसको एक काम करो, इसको मारी डालो। और ये लास्ट मंथ अभी जो गणेश जी का विसर्जन था 19 को, तो मेरा देवर आया था 1:30 को। जैसे आया वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आया, बोला दरवाज़ा खोलो भाभी दरवाज़ा खोलो। तो मैंने सोचा रवि अभी जाओ, अभी मत आओ। कि नहीं अभी मुझे एक बार आने दो भाभी, एक बार आने दो, मैं खाना खा के चले जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं बोल के मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला उन्होंने मेरा मुँह बंद करके उन्होंने मेरे साथ रेप करा था। और करने के बाद उन्होंने मतलब मेरा कपड़े थोड़ा सा नहीं थे तो उन्होंने पीछे से हाथ ऐसा मोड़ के मेरा फोटोज़ ले लिया। उन्होंने ये बोल रहा अगर तू आवाज़ उठाएगी मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट दे देगी और ये फ़ोटोज़ जो वायरल कर दूंगा। और दूसरा मेरे भैया को है ना वो तलाक दे दे, अगर तलाक नहीं देगी तो तेरे बच्चों को हम मार डालेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं मेरा, एक लड़का को तो उन्होंने ले लिया। तो लेने के बाद उनको मतलब लड़का को ले रखे, उनको स्केटिंग और फ़ोन दिला के बच्चे को उस उधर रख ले के मेरे को बच्चे भी नहीं दे रहे। और दूसरा मैंने बच्चों के लिए 22 को हमारे ससुराल गई थी मैं, तो मेरे देवरानी था वहाँ पर। मैंने बोला तुम्हारे पति ने ऐसा ऐसा करा कि तुम्हारे पति ने ऐसा करा। तो बोले बोल रही है वो कि तुम मेरे पति तो करा है। तो मैंने बोला तुम ऐसे करोगे तो मैं कंप्लेंट दूंगी, तुम्हारे पति जो अंदर चले जाएगा तो बचेगी तभी तो बोल के मुझे पूरी तरह से अपने राड ले के मुझे पूरी तरह से सर पे मारने लगी। तो मैं हाथ पैर चलाने लगी तो मेरे सास ने मेरे से पीछे से हाथ पकड़ लिया और मेरे नंद ने मेरे को लाते और घूंसे मारने लगी है। मैंने कंप्लेंट भी दी, कंप्लेंट भी उन्होंने नहीं लिया। 100 नंबर पुलिस वाले ने आके संजय गांधी में लेके गई तो संजय गांधी में जाने के बाद ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं करने दिया। और मेरा पति आके मुझे वहाँ से लेके आया था 12 बजे रात को। वो सताने लगा और मेरे बाल खींचने लगे, मेरा गला दबाने लगे। तो मैंने वो सोचा ये तो मार ही डालेंगे बोल के मैंने सुबह में 6 बजे को अर्ली मॉर्निंग मैं दिल्ली गेट पे जाके धरना देने लगी। तो धरना देने लगी तो वहाँ के पुलिस वाले ने बोला क्या हो गया मैम, ऐसा क्यों बैठे हो? सर मेरे को पुलिस वाले भी बात नहीं सुन रहे, मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और मेरे ससुराल वाले ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ सर, मैं जीने के लिए सोच, जीने भी नहीं दे रहे ना मरने के लिए। मेरे बच्चे मैं कहाँ जाऊँ सर बोल के मैं बोले तो वहाँ पर पुलिस वाले ने यहाँ पर सुल्तानपुरी पुलिस वाले को कॉल करके कि उन्होंने बोला लड़की आ रही है, लड़की की कंप्लेंट ले लो। फिर उन्होंने कंप्लेंट ले लिया। लेने के बाद ये बोल रहे कि मतलब कंप्लेंट तो ले लिया, फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लगे, तुम अगर तुम कंप्लेंट दोगे तुम बदनाम हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, ये हो जाओगे बोल के पुलिस वाले ने भी बोल रही है और मेरे सास ससुर भी ये बोल रहे हैं। और बाहर आने के बाद मुझे 9 लाख रुपए के घर दे के प्रॉपर्टी दे के कि मुझे ये बोल रहे हैं कि तुम कंप्लेंट वापस ले लो। क्या करते थे टॉर्चर में? ये टॉर्चर ये करते थे, कभी डैम डफ बोल के पेपर बना के मेरे को भीख मांगने के लिए बाहर भेजते थे। मैंने मना करा था, वो सब नहीं हो रहा तो तलाक के नोटिस दे के मेरे को मार डालने के लिए वो करने के लिए मेरे आदमी मेरे को ये सब कर रहा है। तो मैंने अलग इसलिए नहीं हुआ माँ बाप की इज्जत के लिए, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मम्मी अकेली है, कहाँ जाके मैं जीऊँ, तो इसलिए उसी वक्त मेरा बच्चा भी पेट में था, तो इसलिए मैं अलग नहीं हो पाई उनसे। तो आपके हस्बैंड का मतलब यही था कि आप अगर ये सब काम नहीं करेंगी 6 महीने बाद, हाँ, इस वजह से आपको नोटिस दिया गया। हाँ, ये सब इसका सबके लिए मुझे नोटिस दिया है। और बहुत गंदी तरह से वो भी नींद की गोली खिला खिला के मुझे मतलब सेक्स वगैरह करता था वो, मतलब नींद की गोली खिला के भी मुझे नहीं पता वो टैबलेट क्या है बॉडी पेन से बोल के वो खिलाता था, मुझे पता भी नहीं है वो क्या टैबलेट है। तो वो गोली छोड़ दिया तो सेक्स की गोली खिलाने लगे उन लोग। अच्छा ये बताइए अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं और साथ में जो प्रशासन है उनको आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके की मदद आप चाहती हैं? मैं इस तरीके से मदद मांग रही हूँ कि मेरे को प्लीज़ मुझे न्याय दिला दो, मैं जीना चाह रही हूँ ना। मुझे पुलिस वालों की साइड से भी मतलब ये सुल्तानपुरी पुलिस साइड से भी मुझे कोई हेल्प नहीं हो रही है ना। मेरे ससुराल वाले तो मेरे खिलाफ है ही है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले के परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है, 60-70 लोग उन्हीं के हैं, तो मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मैं हैदराबाद की हूँ, आंध्र प्रदेश की हूँ, तो प्लीज़ मेरा हेल्प करो, मैं प्लीज़ मैं जीना चाह रही हूँ। ये दिल्ली में या पैसे या बैकग्राउंड दोनों होते हैं तो क्या वाकई जीना है या नहीं, तो अकेली औरत मतलब जी नहीं सकती है। मैम सारे सुन लो कि अगर नहीं हुआ मेरे साथ ना आए तो मैं सुसाइड कर लूँगी दिल्ली गेट जाके, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं है मेरे पास ना मेरे पास बैकग्राउंड है, बस मेरे को एक ही है मौत की रास्ता, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है और मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ न्याय दिलाना चाहता तो दिलाओ, या नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये दल में न रख में जीना नहीं है मुझे। हेलो जी जी, सुदर्शन जी बात हो रही है ना ऑफिस से? बोलो बोलो। मैं आपसे उस टाइम पे यही पूछ रही थी कि आपकी वाइफ ने मतलब आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, साथ में आपकी फैमिली पे भी लगाए हैं कि उनके सर में जो चोट आई है वो फैमिली के साथ हाथापाई हुई है तब आई है, तो जो ये रेप का आरोप लगाया है आपके भाई के ऊपर और इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं है उनके पास, ऐसा क्यों? पहली बात तो आपने उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया, आपके पास कोई सबूत है? तो उन्होंने कोई सबूत दिया? जो आपके भाई हैं वो गिरफ्तार हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सिद्ध हुआ है उसी के बाद तभी ना पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, या फिर जो हमारा लॉ है वो इतना ज्यादा ढीला तो है नहीं कि किसी भी कोई भी महिला आएगी एलिगेशन लगाएगी और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, इतना भी ज्यादा अंधा कानून नहीं है, आपको भी पता है। नहीं अंधा कानून है मैडम, पता मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंधा कानून ही है। अच्छा कि हम हमारे भाई को बिना किसी मतलब किसी सबूत पे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सबूत मिले ना उसको फांसी की सजा दे दो। अच्छा अगर कोई सबूत मिले तो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, गलत तो गलत है, मैं किसी भी औरत के साथ क्या मैं उसकी वाइफ के साथ करूँगा वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा। जो भी आरोप लगाया था वो सब बेबुनियाद है। अच्छा। तो उसकी कोई बेस है ही नहीं उसका। अच्छा आपको ये पता है कि जो वो बोल रहे हैं कि मेरी देवरानी ने हमला किया है वो क्यों किया था, आपको ये पता है क्यों किया था? हाँ पता है मुझे जी, क्या है बताइए आप मुझे। जो घटना हुई है ना उससे 10 दिन पहले लगभग इस लड़की ने मुझे अपने पति को बंद करवाया मर्डर के केस में। ने ये आरोप लगाया हाँ कि मैं उसको जान से मारने वाला हूँ, हालांकि मैंने उसको टच भी नहीं करा। एक दिन मुझे रात को बंद कर दिया, अगले दिन छोड़ दिया मुझे, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ पे, तो मुझे पकड़ने का मतलब ही नहीं था। उस चीज को लेके वो लड़की ने क्या किया, 1 हफ्ते बाद घर पे आके, जब मैं काम पे गया हुआ था, मेरा भाई भी काम कर रहा था ऑनलाइन घर पे, इस लड़की ने आके अपने साथ के पास आके गाली गलौज करनी शुरू कर दी। गाली गलौज इन द सेंस कि तुमको अच्छा लग रहा है क्या, पति को छीन लिया, पति के साथ साथ बच्चे को छीन लिया, वो ये तबड़म तबड़म पता नहीं मैं बोल नहीं सकता, लड़की आपके सामने बोल सकता है, ऐसी ऐसी बातें बोली। अब आप सोच रहे होंगे आप किस मम्मी से बोल रहे हो तो ये क्यों आई बीच में, मेरी भाई की बेटी, ये भी बहू है आपके सामने, कोई आपके मम्मी को आपके साथ बोलेगी देवकांति में तो आप ये भी नहीं बोलोगे कि क्यों बोल रहे हो। तो इसी बात को लेकर उस दिन झगड़ा हुआ था। अरे बात तो सुनो पूरी, कितना था उसने विरोध किया, उस औरत ने क्या करा, मतलब मेरी घरवाली ने मेरी मम्मी को करा फाइट, इस लड़की को जो है ऐसी ऐसी बातें बोली जो कोई भी शरीफ औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। आप अगर बीच में आओगे ना तो आपको ये बोल दिया कि तू क्या बोल रही है बीच में, ये वाली लैंग्वेज इसने ऐसी कोई बात बोली वहाँ पे, तो उस लड़की को आया गुस्सा, उसने हाथापाई पे आ गई। उसने हाथ में डंडा था, क्या था भगवान जाने, मैं नहीं था, उसने मारा सर पे या उसके नीचे गिरने से सर पे चोट लगी। ये तो जो वहाँ लोग थे वही बता पाएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या। ये आरोप जो लगा है ना उसने रेप का, तो उसने जो गलत काम किया, ये आरोप है 19 तारीख की, 19 तारीख मतलब जिस दिन बेटे से लड़की के सदे हुआ था। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और इसको चोट कब लगी है 22 तारीख को। अब आप सोचो अगर कोई शरीफ औरत के साथ कोई अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या वो 3 दिन का टाइम गैप लेके 3 दिन का टाइम सोचने में लग जाएगी कि मैं आरोप लगाऊं नहीं लगाऊं। इसने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि उकसाने आई थी घर पे ताकि झगड़ा हो, कुछ सीन बने और ये सब स्टोरी बन जाए। ये लड़की, इस लड़की की सोची समझी चाल है। मैं इसके पास गया, इसको लेके गया हूँ, रात तक इसकी सेवा करी मैंने। इस लड़की में मैं इसको समझाया भी मैंने कि देख जो भी हुआ गलत हुआ है, ठीक है बाद में मैं अपने बारे में बात करूंगा, पर उस लड़की की हिम्मत क्या थी तेरे पास उठाने की, उसकी तो मैं सुबह बात करता हूँ। मैंने इसको ये बात भी बोली। उस दिन मैं रात को वहीं सहायता करते हैं, ये लड़की मुझे बिना बताए सुबह 4 बजे गोली हो गई घर से। आप सोचो जो लड़की की चोट लगी है वो लड़की सुबह सुबह कहाँ जाएगी बताओ, सुबह 4 बजे। मैं 6 बजे उठते देख रहा हूँ बगल में, ये लड़की आई नहीं मेरे मतलब बगल में। ये इतनी तेज औरत है। मेरे तो किसी कांस्टेबल का कॉल आया इंडिया गेट से। अच्छा। मैं अपने भाई को छोड़ने जा रहा था उस टाइम काम पे, मेरा भाई काम करता था, उसको मैं ऑफिस में छोड़ने जा रहा था। हम दोनों को नहीं पता है कहाँ गई है क्या हुई है। मैम अब ये सोचो जो औरत अपने पति को बेवकूफ बना के बिस्तर के ऊपर से बिना बताए गोली हो सकती है और ऐसे ऐसी प्लानिंग कर सकती है, तो वो औरत क्या क्या कर सकती है सोचो। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उससे बात कर लीजिए, वो क्या चाहती है क्या है वो करवा के बच्चे को देना चाहती है, देने के लिए बोल दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी चीज के लिए भी, बच्चे लेने के लिए तैयार हूँ, दोनों को दोनों लेने तैयार हूँ। बड़ा वाला मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर छोटा वाला अपने आप आगे रहना मेरे पास, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है और उसकी हर चीज पूरी कर रहा हूँ मैं। इनकी सिर्फ यही मांग है, ना तो ये डिवोर्स देना चाहती हैं, ना ही ये उनके साथ रहना चाहती हैं। ये चाहती हैं सिर्फ इनके बच्चे इनके साथ रहें और जो न्याय है जो इनके साथ गलत हुआ है उसकी सज़ा उन अपराधियों को मिल पाए। और साथ में इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।